हाँ देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का एक नया चैप्टर, दैट इज सेल। तो आपके क्लास 9th में चैप्टर है सेल। और सेल क्या होता है बेटा? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसी चैप्टर के रिगार्डिंग हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो जिस तरह से मैं पढ़ाऊँ उसी सिक्वेंस ऑफ सीरीज को आप फॉलो करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, बस एंड तक बने रहना है लेक्चर के साथ। तो देखिए, तो सबसे पहले आता है सेल होता क्या है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सेल्स। तो आप कैसे आंसर करोगे, कैसे लिखोगे व्हाट इज सेल? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सेल क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या जानते हैं कि सेल क्या है? तो सेल्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। सेल क्या है? दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल बेटा क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को हम कहते हैं सेल। इसको हम दूसरे तरह से ये कह सकते हैं, सेल इज स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। अब मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर मतलब हमारे जो लाइफ का स्ट्रक्चर है और फंक्शन है लाइफ के, वो किसके बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। समझ भाई कि अब यहाँ पे मैंने टर्म यूज किया दैट इज लाइफ। तो यहाँ पे लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ का मतलब होता है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान दो, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लाइफ। तो जो मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द सेल्स, तो आपको आंसर मिला। तो सेल को कैसे डिफाइन करेंगे? हम सेल को बड़े सिंपल वे में डिफाइन करेंगे। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट है किसका? लाइफ का। फिर से ध्यान दो, मैंने टर्म यूज किया बेसिक यूनिट। तो ये बेसिक का मतलब क्या है यहाँ पे? आपको पूछना चाहिए कि बेसिक का मतलब क्या, बेसिक क्या है? हमें नहीं पता तो तुरंत क्वेश्चन करिए, ठीक है? तो कमेंट में डाल दीजिए जो भी टर्मोलॉजी आपको को भी ये लगे कि इसका मतलब नहीं पता। तो देखो यहाँ पे मैंने जो टर्म यूज किया बेसिक, और बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक कहते हैं हम स्मॉलेस्ट, क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। देखो दोनों बात क्लियर, एक तो लाइफ का मतलब क्या है यहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बेसिक का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट। तो मतलब सेल वो यूनिट है जिस जो सबसे छोटा यूनिट है लाइफ का। इसका है लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? दैट इज द सेल। बात समझ भाई? तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट। और बेसिक का मतलब क्या बताया? स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज द सेल्स। इसी पॉइंट पे हमने बात की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की। तो आई नो, अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको सभी को क्लियर हो गया है कि व्हाट इज द सेल्स, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें पता होना चाहिए हर किसी स्टूडेंट को अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है? अब पॉइंट आता है कि व्हाई सेल इज द बेसिक यूनिट। तो सेल को ही बेसिक यूनिट क्यों बोला गया? सेल को ही स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों बोला गया, ठीक है? अब एक पॉइंट था यहाँ पे स्ट्रक्चर, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म जो बना होता है सेल्स का बना होता है। जैसे चाहे प्लांट की बात के, चाहे एनिमल की बात के, चाहे किसी लिविंग बींग्स, कोई भी एक्स वाई जेड लिविंग बींग्स जिसके पास में लाइफ है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला? इससे ये कंक्लूजन मिला हमें, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो देखो अब मैंने यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन आपको सिखाया कि व्हाट इज द सेल्स। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखने का ये मिल गया, तरीका मिल गया किस तरह से क्वेश्चन को लिखा जाए। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सेल्स डिस्क्राइब इन डिटेल, तो आप कितने पॉइंट लिखोगे?
पहला पॉइंट आपको लिखना होगा बेसिक न्यूटन लाइफ का, दूसरा पॉइंट लिखना होगा स्ट्रेस ऑफ फंक्शनल यूनिट लाइफ का। बेसिक को बता देना है, बेसिक का मतलब यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो कुछ स्टार्ट पॉइंट बना के। एक पॉइंट लिख दिया मैंने, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो इतना पॉइंट लिखे पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया पूरे का, ठीक है, व्हाट इज द सेल्स। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम हिस्ट्री की, बताइए व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ सेल्स। हम हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री किसका, हिस्ट्री ऑफ सेल। तो सेल की हिस्ट्री की जब भी बात की जाती है तो हम देखेंगे यहाँ पे दो साइंटिस्ट से कोई पहले नाम आते हैं जिनकी हम बात करेंगे, वो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। पहला हम बात करते हैं, पहला साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। दूसरे साइंटिस्ट की बात करेंगे हम, सेकंड साइंटिस्ट जो है वो है यहाँ पे एंटोनी वॉन ली वॉन हुक। देखो दो साइंटिस्ट हैं, दोनों ने सेल को ही डिस्कवर किया है। किसको डिस्कवर किया? दोनों साइंटिस्टों को क्रेडिट मिलता है सेल की डिस्कवरी का। लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, तभी तो अलग अलग पढ़ रहे हैं दोनों को। तो देखो क्या डिफरेंस है, उन पॉइंटों पर बात करते हैं। रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने, इनके पास में क्रेडिट मिलता है फर्स्ट डिस्कवर्ड डेड सेल्स। कौन से सेल्स को डिस्कवर किया? डेड सेल्स को डिस्कवर करने का क्रेडिट मिल जाता है रॉबर्ट हुक को। तो ये डेड सेल्स जो देखा है इन्होंने, इन्होंने प्लांट सेल्स को देखा। ये प्लांट सेल्स जो था दैट इज कॉल्ड कॉर्क। इन्होंने कॉर्क को देखा, इसको देखा, कॉर्क को देखा। ये जो कॉर्क है, कॉर्क दैट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ये डेड सेल्स का बना होता है। कैसे सेल्स होते हैं? डेड सेल्स। तो ध्यान रखना यहाँ पे पॉइंट कि फर्स्ट टाइम जो सेल्स को डिस्कवर किया गया दैट वाज ए डेड सेल्स। और कौन सा सेल्स? तो रॉबर्ट हुक ने कौन सा सेल्स देखा? डेड सेल्स को देखा। कौन सा? डेड सेल्स को देखने का क्रेडिट मिल जाता है रॉबर्ट हुक को। और सेकंड साइंटिस्ट आते हैं एंटोनी वॉन लीवन हुक। इनको क्रेडिट मिलेगा दे फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स। किसको देखा? लिविंग सेल्स को देखने का क्रेडिट मिलता है। अब कौन सा लिविंग सेल देखा? तो अगर एग्जांपल देखेंगे लिविंग सेल्स के जो इन्होंने देखे, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हुक ने जिनको देखा वो थे प्रोटोजोआ। में इंक्लूड करते हैं जैसे अमीबा अमीबा एंड पैरामीशियम पैरामीशियम। तो ये जो है अमीबा सिंगल सेल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पैरामीशियम भी सिंगल सेल्स स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो सिंगल सेल्स स्ट्रक्चर हैं, सिंगल सेल्स किन सेल के पास केवल एक ही सेल्स का स्ट्रक्चर है, और अमीबा के पास भी सिंगल सेल्स हैं और पैरामीशियम के पास भी सिंगल सेल्स है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि अमीबा और पैरामीशियम इनके पास में कितना है, वन न्यूक्लियस है। ये के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये भी न्यूक्लियस है। तो अमीबा भी, दोनों दोनों के पास में कॉमन ये बात ये है, बोथ आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैं भी आगे बताऊंगा कि ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर वैसे मतलब क्या है, ठीक है। ऑर्गेनिक टर्म यूज होता है सभी लिविंग बींग्स के लिए। दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी को एक साथ बोला जाता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो जो मैंने बोला यहाँ पर डेड सेल्स, और डेड सेल के पीछे की कहानी बताता हूँ। रॉबर्ट हुक, जब रॉबर्ट हुक ने सेल्स को देखा तो इन्होंने बनाया था सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। मेड माइक्रोस्कोप, अपने से खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया और सेल्स को देखा। उन्हें इस टाइप से कुछ डिब्बे जैसे दिखाई दिए, स्मॉल कंपार्टमेंट दिखाई दिए। ये क्या है? दे आर द स्मॉल कंपार्टमेंट। ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट को बोलते हैं सेल। तो ये इस तरह का सेल दिखाई दिया इनको, देखा था कैसे स्मॉल
कंपार्टमेंट, ऐसे स्मॉल कंपार्टमेंट को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्मॉल कंपार्टमेंट दिखाई दिए इनको। स्मॉल कंपार्टमेंट क्या थे, स्मॉल कंपार्टमेंट को ही नाम देश पर कहते हैं सेल। तो ये स्मॉल कंपार्टमेंट जो थे, इन्होंने दुनिया को ये बताया, रॉबर्ट हुक ने जब सेल्स को देखा, क्योंकि दुनिया में कोई बहुत सारे माइक्रोस्कोप तो थे नहीं, केवल उन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया। किसने बनाया, रॉबर्ट हुक ने बनाया। रॉबर्ट हुक ने जब खुद से एक माइक्रोस्कोप तैयार किया, बनाया, अब उन्होंने क्या किया कि उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल्स को देखा। वहाँ पर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिला, छोटे छोटे डिब्बे जैसे दिखाई दिए। इन डिब्बों को, और जो साइंस में लैंग्वेज यूज होती है, वहाँ पे स्मॉल कंपार्टमेंट का मीनिंग होता है सेल, और इसका नाम पड़ गया सेल। तो इसका नाम क्या आ गया, इसका नाम सेल इसलिए पड़ा क्योंकि स्मॉल कंपार्टमेंट जैसा कुछ दिखा, और स्मॉल कंपार्टमेंट का जो साइंस में लैंग्वेज यूज होती है, दैट वाज लैटिन लैंग्वेज, और लैटिन लैंग्वेज में स्मॉल कंपार्टमेंट को लिखते हैं सेल। ठीक है, अब इन्होंने दुनिया को बताना था कि भाई कैसा है सेल्स, हर कोई जानना चाहता था कि हम किसके बने हुए हैं। भाई अगर मैं आपसे कहूँ, मतलब आप किसके बने हो, आपकी यूनिट क्या है स्मॉलेस्ट, तो आप भी सोचोगे हमें हम पता होना चाहिए हम किसके बने हुए हैं। जैसे हम सोचते हैं कि एक मकान, एक घर सेल्स का बना, ईंट का बना हुआ है, ईंटों से मिलकर मकान बन जाता है, ऐसे हम कहें एक डॉगी या एक प्लांट किस चीज़ से मिलकर बना है, तो ईंटों से मकान बनता है। इसी तरह से हम कहेंगे कि प्लांट का बॉडी या एनिमल का बॉडी इसका बना हुआ है, वो बना हुआ है सेल्स का, इसका बना हुआ है सेल्स का। तो दुनिया को बताने के लिए उन्होंने बोला कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और सेल कुछ नहीं है। ये समझिए कि दुनिया में बहुत सारे माइक्रोस्कोप नहीं है, तो मैंने देखा है, तो अगर मैं आपको बताऊं सेल्स कैसा है, तो इतना ध्यान रखिए कि सेल ऐसा है जैसे अगर आपने मधुमक्खी के छत्ते को देख लिया, हनी कॉम्ब को देख लिया। हनी कॉम्ब क्या है, मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी के छत्ते में जब मधुमक्खी हटा देते हैं, जिसमें हनी प्रेजेंट होता है, उसमें इस तरह से छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ऐसे कंपार्टमेंट को, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर को बोला गया हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर। ऐसे हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर जैसे नाम दिया गया स्मॉल कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर को, दैट इज कॉल्ड सेल्स। नहीं, ये अगर मैं यहाँ बना, एक सेल्स ये हो गया, एक सेल्स ये हो गया, एक सेल्स, तो यहाँ मैं कितने सेल दिखा दिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 सेल्स का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सेल्स। तो अगर ये इतना बताया उन्होंने रॉबर्ट हुक ने, तो दुनिया को पहचान गई, दुनिया को पता चल गया कि हाँ भाई सेल नाम की चीज़ है, हम भी ऐसे छोटे छोटे डिब्बों के बने हुए हैं। हम किसके बने हुए हैं, स्मॉल कंपार्टमेंट के बने हैं, छोटे छोटे डिब्बों से मिलकर बना हुआ है। वो डिब्बा कैसा है, सेल्स है। अगर मकान देखो, मकान ईंट का बना होता है, ईंट तो अंदर से ठोस होता है, लेकिन हमारा, हम क्या डिब्बे हैं, कैसे डिब्बे, ऐसे हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर, लेकिन हम ठोस नहीं है, है? ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना। तो ये कहानी थी सेल की हिस्ट्री की, रॉबर्ट हुक की हिस्ट्री और एंटोनी वॉन ल्यूवेन। तो क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग करता है कि लिविंग सेल्स और डेड सेल्स। तो आपको यहाँ पे डेड साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि लिविंग सेल्स को किसने देखा और डेड सेल्स को किसने देखा। तो बस आपको याद रखना है एंटोनी वॉन ल्यूवेन एक वो साइंटिस्ट थे, लिवॉन, देखो एल से मतलब लिवॉन, एल का मतलब क्या, लिविंग, उसके नाम में भी लिविंग आ रहा है। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, डेड सेल्स को देखा। तो एंटोनी वॉन ली वॉन हुक, ली मतलब एल से लिविंग सेल्स को देखने वाले। तो आपको अगर एल याद रख लेंगे इसको, तो याद रखने के लिए ये क्या करो, कुछ हाईलाइट कर लो इसका एक टर्म। हमने ये एल को बड़ा सा बना लिया, कुछ हाईलाइट करके बना लिया, अपने ही माइंड में याद रखिए कि एल। अब एल से हमने याद करने का ट्रिक रख लो कि एल का मतलब क्या है, एल का मतलब हम यहाँ पे याद रख रहे हैं लिविंग, याद रखने के लिए आपके लिए लिविंग। तो हमें याद हो गया कि एल जिसमें नाम आ रहा है, लिविंग जिसमें नाम आ रहा है, एंटोनियो ली वॉन जो आ रहा है, तो लिविंग सेल्स को डिस्कवर करने वाले थे, ना कि डेड को। तो ये यहाँ पे लिखा गया लिविंग सेल्स, तो लिविंग सेल्स को देखने वाले, यहाँ पे लिखा गया डेड सेल्स को देखने वाले साइंटिस्ट। तो ये मैंने हिस्ट्री की बात कर ली है, कंप्लीट हिस्ट्री हमने देख लिया अभी। ठीक है, तो ये सब हिस्ट्री वो जो 9th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीवॉन। अब नेक्स्ट चलें, अब आता है सेल का स्ट्रक्चर आता है, नेक्स्ट पार्ट क्या है,
जो आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की बात करेंगे और साइज एंड शेप की बात करेंगे। तो पहले सेल तो देख लिया, अब दुनिया पूछने लगी ये तो बताओ तुमने सेल को देखा, रॉबर्ट ने सेल को देखा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनबुक ने सेल को देखा, अब बताओ है अगर आपने सेल्स को देखा, अब उनसे पूछा जा रहा है कि ये तो बताओ भाई सेल का साइज क्या है, कितना साइज का सेल्स है, सेल का साइज बहुत छोटा होता है या बहुत बड़ा होता है, देयर इज नो आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट है। तो फिर बाद में साइज की मेजर करने लगे कितना साइज का होता है तो और किस टाइप का शेप होता है। तो दोनों पॉइंट बात करेंगे, पहले करेंगे हम शेप की बात करेंगे, शेप ऑफ सेल की बात करेंगे कैसा शेप है, दूसरा वाला करेंगे साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल। तो मैंने दो पॉइंट लिखे यहाँ पे, शेप ऑफ सेल्स, शेप कैसा सेल्स का, और दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल्स, तो सेल का साइज और सेल का शेप। तो देखिए तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि साइज और शेप के दो पॉइंट है, शेप ऑफ सेल्स, तो शेप का मतलब क्या है, कैसा आकार होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखेंगे शेप की और दूसरा पॉइंट है साइज की, तो शेप कैसा होगा, शेप में याद रखोगे डिफरेंट शेप, कैसा शेप होगा, डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट अलग अलग आकार होता है, शेप का मतलब क्या आकार, और आकार कैसा होता है, अलग टाइप का होगा, डिफरेंट टाइप का होगा, एक जैसा आकार नहीं होता। तो भाई ये कैसी बात कह दी है, अभी तो रॉबर्ट को ये बता के गए थे, अभी तो तुमने बताया कि ऐसा होता है, कैसा, हनी के कॉम जैसा शेप होता है, हनी कॉम, लेकिन अब आप कह रहे होगे डिफरेंट शेप। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे डिस्कवरी आगे होती जाती है, आगे रिसर्च बढ़ती जाती है, चलो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा वो हनी कॉम जैसा दिखा, फिर बाद में फ्यूचर में डिस्कवरी होते गए, सेल होते गए, तो जिसने रॉबर्ट हुक ने देखा सेल उसका शेप बना दो, तो देखा कि हमने शेप ड्रॉ कर लिया, हम कह रहे हैं कि रॉबर्ट हुक का शेप ये था, रॉबर्ट हुक ने ये वाला सेल देखा था हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर्स, तो इसका नाम था पॉलीगोनल, क्या है, पॉलीगोनल शेप, इस सेल का शेप है पॉलीगोनल। फिर सपोज करो कोई डिफरेंट साइंटिस्ट आए तो उन्होंने सोचा कि हम भी देखेंगे, उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, उस माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें इस टाइप का सेल देखा, तो वो कह रहे नहीं सेल तो ओवल शेप का है, ऐसा है ओवल शेप का है, अंडे के जैसा है। और फिर आगे बढ़ती है, तब नए साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने देखा किसी ने कि नहीं सेल तो जो साइज है नहीं वो ऐसा नहीं, वो तो इस टाइप का शेप है, इस टाइप का भी सेल्स होता है, तो ये सेल जो का शेप है इसको कहते हैं किडनी शेप या कहते हैं बीन शेप, कैसा है, बीन जो हमारे घर में होते हैं बीन, बीन शेप या किडनी शेप, किडनी शेप, तो ऐसा भी शेप है। इसके अलावा देखे नहीं सेल तो ऐसा भी है, ये भी सेल ही है, बोले कि ये क्या है, तो ये भी सेल्स हैं, ये कौन से सेल्स हैं, ये है कॉलम जैसे, कॉलमनर सेल्स। किसने देखा नहीं सेल्स तो ऐसा तो ही है, इसके अलावा और भी शेप है, तो कैसा, उन्होंने देख लिया कि इस तरह से देख लिया, बोले क्यूब जैसा भी शेप है, कैसा है, क्यूब जैसा, इस टाइप का शेप, बोले क्यूब शेप भी है, क्यूब शेप, तो डिफरेंट टाइप के शेप हैं, ठीक है, और इसके अलावा कैसा है, क्यूब शेप है, कॉलम जैसा हो गया, बीन शेप हो गया, पॉलीगोनल शेप हो गया, ओवल शेप हो गया, और अगर देखें इस टाइप का भी सेल्स होता है, न्यूरॉन जो होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक भी हैं, थ्रेड लाइक भी हैं, तो मतलब डिफरेंट टाइप के शेप की बात कर ली है, किसके, सेल के शेप की बात होगी, और कंक्लूजन ये निकला सेल का शेप फिक्स नहीं है, शेप कैसा है अलग अलग हो सकता है, ठीक है, जो ओवल शेप भी था ये बिल्कुल ओवल जैसा बना दिया, ये रहा अंडे के जैसा शेप, दूसरा ये बना दिया था कैसा, किडनी पॉलीगोनल टाइप बना दिया, तो और एक शेप और लिखूंगा मैं, जो हमारा आरबीसी का शेप होता है हमें याद रखना है, बाई कॉन्केव, क्या होता है, बाई कॉन्केव शेप, ये बाई कॉन्केव शेप प्रेजेंट होता है आरबीसी का, इस तरह से, किसका है, आरबीसी का, आरबीसी जानते हो,
आरबीसी कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट्स मतलब ये क्या है? इरिथ्रोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जो ब्लड को बनाती हैं, ब्लड में जो होती हैं, क्या है? ब्लड सेल्स है ये, आरबीसी क्या है? ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। तो ब्लड का रेड कलर करने वाली सेल्स होती है आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पे कैसा शेप है? यहाँ पे बाई कॉनकेव शेप। तो बाई कॉनकेव शेप ये होता है कि पिचका सा होता है बीच में से, तो ऐसे शेप को बोला जाता है बाई कॉनकेव शेप। और ध्यान रखना ये आरबीसी होती है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है सेल्स में। स्पेशल बात ये है, कैसी होती है? ई न्यूक्लिएटेड। ये यहाँ पूछा जाता है, ई न्यूक्लिएटेड का मतलब है विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना आपको कि विदाउट न्यूक्लियस वाली सेल्स कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? तो आपको आंसर करना क्या, वो हो जाएगी आरबीसी, यूथ्रोसाइट्स। अब देखो साइज की बात कर रहे हैं, साइज बच्चा है तो साइज वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो साइज कैसा होगा? तो हम साइज जो बात करते हैं, दो तरह का साइज की बात करेंगे। कैसा साइज? एक तो देखेंगे सबसे छोटा सेल्स क्या है और देखेंगे सबसे बड़ा। तो मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूँ साइज को। एक तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल्स, और दूसरा हो जाएगा लार्जेस्ट सेल्स, लार्जेस्ट सेल्स, स्मॉलेस्ट सेल्स एंड द लार्जेस्ट सेल्स। तो यहाँ पे दो सेल्स के नाम याद रख लो, जिस स्मॉल हो और जो बड़ा हो। तो स्मॉलेस्ट सेल्स हम कह रहे हैं यहाँ पे, स्मॉलेस्ट सेल्स होता है माइको प्लाज्मा, माइको प्लाज्मा। और माइको प्लाज्मा का दूसरा नाम होता है PPLO, दुनिया का सबसे छोटा सेल्स है माइको प्लाज्मा, PPLO। अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल्स की, सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट सेल्स की बात करें, तो यहाँ पे आता है ऑस्ट्रिच एज, ऑस्ट्रिच एग। तो ऑस्ट्रिच एज का साइज क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, सबसे लार्ज साइज का होता है ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑस्ट्रिच एग है, ऑस्ट्रिच एग है कैसा है? लार्ज साइज का, ठीक है, काफ़ी बड़ा साइज होता है, 1.5 kg का, लगभग 1.5 किलो का होता है, ठीक है। अब ये तो हमने जो साइज की बात की, यहाँ पे जो एग्जाम्पल इंक्लूड किए, ये एग्जाम्पल किसके हैं? ये एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं कि ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं दोनों दोनों, एक लार्ज सेल्स एनिमल का है, दूसरा लार्ज सेल्स एनिमल का। तो एनिमल का छोटा सेल्स और एनिमल का लार्ज सेल्स के एग्जाम्पल है यहाँ पे साइज ऑफ सेल्स में जो हम बात कर रहे थे। अब पॉइंट है कि प्लांट का सबसे बड़ा साइज कौन सा है, या एनिमल का बड़ा, एनिमल का हो गया, प्लांट का सबसे छोटा साइज कौन सा है? तो प्लांट में बड़ा साइज याद रखिए, ठीक है, एनिमल का लॉन्गेस्ट साइज याद रखिए, एनिमल का क्या है? अब एक याद रखिए, साइज की बात होगी स्मॉलेस्ट सेल्स की और लार्जेस्ट सेल्स की, लॉन्गेस्ट सेल्स याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लॉन्गेस्ट सेल्स, वो है न्यूरॉन्स। क्या है? न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन क्या बेटा? यहाँ पे न्यूरॉन होता है सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स, लॉन्गेस्ट सेल्स, ठीक है, बॉडी का। तो हमारी बॉडी का, हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जिससे हम महसूस करते हैं, हम आवाज़ सुनते हैं, हम कुछ देख पाते हैं, हमारे पैर में कुछ कांटा लग पाता है उसे महसूस कर पाते हैं, हम ठंडा गर्म महसूस कर पाते हैं, हाँ, किसी हमें गर्म प्रेस को टच किया हमें पता चला प्रेस गर्म है, अलग हट जाइए। तो वो क्या है? वो भी एक पार्ट टाइप का क्या है, वो हम कहते हैं न्यूरॉन्स से पता चला। कैसे? न्यूरॉन्स हर बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं क्या? न्यूरॉन्स हमारे हर बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन की वजह से क्या हो पाता है? हम सुन पाते हैं, हम देख पाते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता चला कि कोई टाइगर देखा, टाइगर देख के हम भागने लगे, और टाइगर तो हमारे पास में अभी आया भी नहीं था, टाइगर तो काफ़ी दूर था उस कंडीशन में। अब हमें पता कैसे चला कि हमें टाइगर तो हमने टच भी नहीं किया, हमें पता चल गया टाइगर आ रहा सामने से, सियाप सियाप आ रहा है, हम दौड़ने लगे हैं डर के एक साथ। तो क्यों? हमारे आँखों में न्यूरॉन है, उन्होंने उसको देखा, पहले से हमारे ब्रेन में इमेज फिट होती है कि टाइगर ऐसा होता है, हमने देखा, हम पहचान गए हमारे लिए खतरा है, भागो यहाँ से। तो किसने बताया? न्यूरॉन ने मैसेज को पहुँचाया और पहुँचा दिया ब्रेन को, भागो यहाँ से। तो ध्यान रखना, न्यूरॉन हर बॉडी पार्ट में होते हैं और सबसे बड़ा सेल्स है, ध्यान रखना।
आंखों में भी है, कानों में, आवाज़ सुननी है हमें, हम पहचान लेते हैं कोई दूसरे कमरे से बोला कि किस बंदे की आवाज़ है। पलंग से डॉगी भूकुआ तो डॉगी की आवाज़ आई तो हम पहचान लिए डॉगी की आवाज़ है, किसी काऊ की आवाज़ आई, गाय की आवाज़ आई, पहचान लिए गाय गाय की आवाज़ है। तो किस वजह से? न्यूरॉन्स, क्यों? न्यूरॉन्स का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे इस ब्रेन के साथ। किसके साथ? हमारे ब्रेन के साथ में होता है, और उस वो मेमोरी हमारे ब्रेन में फिट रहती है हर किसी की, और जो मेमोरी है तुरंत तो उस साउंड को पहचान पाते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगर किसी पर्सन के न्यूरॉन काम ना करें तो उसको हम कहते हैं पागल हो गया वो पर्सन, है वो तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा, कुछ पहचान नहीं पा रहा है। तो वहाँ पर न्यूरॉन कम डेवलप होते हैं ऐसे लोगों के, और सबसे बड़ा भी सेल्स है। ठीक है, आज से मैं कह रहा हूँ याद रखना, और याद भी रहेगा आपको, न्यूरॉन के पहले काफ़ी कुछ बताया है तो ऐसे याद रखना है। चलिए, तो अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने शेप ऑफ सेल्स की बात कर ली, साइज ऑफ सेल्स की बात कर ली, और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वो आगे बढ़ने में क्या सीखेंगे, अब बनाएंगे इसका सेल का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो वो काफ़ी सिंपल वे में सिखाऊंगा कि किस तरह से सेल का स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो क्या क्या सिंपल स्टेप हो सकते हैं किसी सेल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए, उसी पर बात करूंगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बताते हैं पहले किसका, सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे देखोगे सेल के स्ट्रक्चर में क्या चीज़ है, तो सेल के स्ट्रक्चर में आपको याद रखना दो तीन पॉइंट, वो कौन से पॉइंट है, उन्हीं पॉइंटों में बात करने वाला हूँ। देखो, दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ ए डिटेल डायग्राम ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ पे सेल का जब पूछेगा तो या तो प्लांट सेल पूछ ले, चाहे एनिमल सेल्स पूछ ले। तो अभी हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, बनाएंगे प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर मैं आपको एनिमल सेल्स का भी स्ट्रक्चर दिखा दूंगा, पहले प्लांट सेल्स को बनाना सीखे। इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें करना होगा इसके सबसे बाहर से स्टार्ट करेंगे कि बाहर की लेयर बनाओ, इसको कहते हैं हम सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल, ध्यान दो, ये है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है टू लेयर का होगा। अभी मैंने सेल वॉल का एक लेयर बनाया है, ये मेरा अंदर साइड का लेयर बना दिया। ठीक है, थोड़ा मोटा बनाया है, अब बाहर का लेयर मैं थोड़ा पतला कर लेता हूँ क्योंकि ये भी सेल्स का बना होता है। बाहर का लेयर कैसा है? थोड़ा पतला है, तो इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देंगे, थोड़ा अच्छा होगा। और लेकिन मैंने जो पतला दिखाया है तो इससे हमें पता चल रहा है ड्रॉ करते में कि अंदर के लेयर थिक होता है और बाहर का लेयर थिन होता है, एक पतला है एक थोड़ा मोटा होता है। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाना है जैसे मैंने बनाया है। कैसे बनाया? पहले एक पॉलीगोनल टाइप बनाया, एक अंदर का बना दिया एक बाहर का। तो ये मैंने लिख दिया बाहर वाले को, ये आउटर लेयर, आउटर आउटर लेयर किसका है? सेल वॉल। ये क्या है? आउटर सेल वॉल है। ठीक है, क्या है? आउटर सेल वॉल, आउटर सेल वॉल। अब यहाँ पे है नेस्ट है इनर सेल वॉल, ये क्या है? दैट इज द इनर सेल वॉल। अब यहाँ पे देखेंगे अंदर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम सेल के अंदर, न्यूक्लियस बना कर दिखाओ, क्या बनाना है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जो कि अंदर साइड में इस तरह से प्रेजेंट होती है, दो मेम्ब्रेन्स की भी हैं। तो जैसे हमने सेल वॉल देखा, सेल वॉल जो बनी होती है ये बनी होती है सेलुलोज की, किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो सेलुलोज की बनी होगी, किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ये सोचो ना हम क्या खाते हैं प्लांट का, हम प्लांट में देख कार्बोहाइड्रेट है, गाय भैंस कार्बोहाइड्रेट खाती है, भूसा खाती है, जो भी नियार खाती है वो क्या? सेलुलोज का बना हुआ है। तो सबसे बाहर क्या है? सेल का सेलुलोज। तो हम देखते हैं प्लांट सेल्स क्या है, प्लांट सेल्स है, वन सेकेंड, हाँ
हाँ हेलो। हाँ ज्वाइन ना हो पाया। ओके।